हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका इन अनदर एपिसोड ऑफ बैक स्टोरी इंस्पिरेशनल ऑफिसर्स। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी एस्पिरेंट्स के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, पर उन चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने इंडिया के सबसे बड़े कंपेरेटिव एग्जाम को क्रैक किया है। ये कहानी ऐसे ही एक एस्पिरेंट की है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये कहानी है IAS सौम्या शर्मा की। उनका जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था और उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई दिल्ली में ही कंप्लीट की और हमेशा स्कूल और कॉलेज में टॉपर रही। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ एक बुरा हादसा हुआ। एट द एज ऑफ 16 शी लॉस्ट हर एबिलिटी टू हियर। हर पेरेंट्स डिड एवरीथिंग दे कुड टू हेल्प हर आउट बट नथिंग केम आउट ऑफ देयर एफर्ट्स एंड शी वॉज फोर्स टू यूज हर हियरिंग एड हेंसफोर्थ। ये सदमा उन पर बहुत भारी पड़ा और उन्हें काफ़ी समय लगा इस मुश्किल दौर से गुजरने के लिए, पर उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रही। उन्होंने अपनी LLB कंप्लीट की फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली और इसी दौरान उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें UPSC एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और उन्होंने सारे मटेरियल्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए। शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग 4 months बिफोर द प्रीलिम्स व्हेन शी वॉज इन अ फाइनल सेमेस्टर एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। 2017 में उन्होंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद उन्होंने मेंस की तैयारी शुरू की। During the mains examination week, she was down with viral fever. Her fever was not subsiding below 102, at times even touching 103. She was lucky enough to have doctors for parents who ensured that she was provided saline drips thrice a day, including in the lunch break between the papers. She almost blacked out during the GS2 paper and had to quickly eat a chocolate to get the energy required to continue writing her answers somehow. Despite everything she was going through, she willed herself to write the exam, thereby proving that nothing can come between you and your goal if you are determined. To no one's surprise, she ended up cracking the exam with flying colors and secured an All India rank of 9. तो पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने सफलता प्राप्त की। रही बात उनके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि एक ब्लूप्रिंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। स्ट्रैटेजीज आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से बनाई जाती है। हर सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाना और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन करने के समय ये आपके बहुत मदद करेंगे। पूरा सिलेबस ख़त्म होने के बाद उसे रिवाइज करना और मॉक टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको आइडिया देगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में चल रही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द UPSC एग्जाम इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर्स रेगुलरली। One, because it is a big part of the exam, and two, because it enhances your knowledge of the world. IAS Soumya Sharma started reading newspapers when she was just 3 years old. Baat kare unke current posting ki, so she is a joint commissioner, Department of Trade and Taxes, Government of Delhi. Soumya Sharma is an inspiration to the youth of this country that aspire to dream big and don't settle for less. Let us know what you thought of her story, and as always, if you want us to cover the backstory of any officer in the country, do let us know in the comment section. Jai Hind. But my point is that even if any situation comes and you feel that all your hard work is coming to a naught, whatever you have done may not amount to anything, just don't give up. Try. What if, you know, you never know. It's better to try and know what happened than to never try at all. So just try, don't lose faith in yourself, that's extremely important, because at least if you go down, you'll go down with the knowledge that I put in my best, and that's very important.